दिवाली का इंतजार हम पूरे साल करते हैं. इट्स द टाइम टू एंजॉय डिजर्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट विद न्यू फ्लेवर्स. आज बनाते हैं एक फ्यूजन डिजर्ट, बूंदी मलाई केक. ये केक आपके अपकमिंग फेस्टिव सेलिब्रेशंस के लिए परफेक्ट है. इसे बनाने के लिए घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए. मैंने कुछ भी फैंसी यूज नहीं किया है एंड ये वीडियो देखने के बाद केक बेक करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा. ये मेरा प्रॉमिस है. केक बेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है OTG. सबसे अच्छी एंड यूनिफॉर्म बेकिंग सिर्फ OTG में ही होती है. मैं यूज कर रही हूँ बोरोसिल प्राइमा 60 लीटर OTG. इसमें आप केक्स, कुकीज, ब्रेड्स और काफी सारी चीजें बना सकते हैं. चलिए आज की अमेजिंग रेसिपी की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले लेना है एक मिक्सिंग बोल. ये बोल भी मैंने myborosil.com से लिया है. सबसे पहले हमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लेना है. तो मैंने लिया है मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक. इसे अच्छे से छान ले. ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने से केक बहुत ही ज्यादा लाइट और फ्लफी बनता है. हम इसे रखेंगे साइड पे. एक बड़े मिक्सिंग बोल में हमें लेना है दही. इसमें डालेंगे चीनी, थोड़ा सा ऑयल. हम केक में ऑयल और बटर का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे. थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी डाला है मैंने. ऑयल केक को सॉफ्टनेस देता है और बटर फ्लेवर. सो वेट इंग्रेडिएंट्स हमने सारे के सारे मिक्स कर लिए हैं. केक को बेक करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ बोरोसिल की बेकिंग डिश. इसकी खास बात यह है कि आप इसी में केक बेक कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली फ्रॉस्ट करके इसी में सर्व कर सकते हैं. इसे लाइटली ऑयल से ग्रीस कर लें. अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने की. हमें बहुत जेंटली इसे मिक्स करना है. ओवर मिक्सिंग ऑफ बैटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ड्राई इंग्रेडिएंट्स को दो पार्ट्स में डालना है. बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी डाला है. बहुत जेंटली इसे मिक्स करें. इसमें कोई भी लंप्स नहीं होने चाहिए. बैटर हो गया है तैयार. इसे हम पोर करेंगे बेकिंग डिश में. बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके से रिबन जैसी होनी चाहिए. ऊपर से केक के बैटर को थोड़ा अच्छे से फैला लें ताकि ये एकदम स्मूथ और यूनिफॉर्म हो जाए. अब हम केक को बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में. प्री हीटिंग भी 180 डिग्री सेल्सियस पे ही करनी है. हमें इसे बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पे. करीबन 40 मिनट्स लगेंगे केक को बेक होने में और हमें टॉप एंड बॉटम दोनों हीटिंग एलिमेंट्स ऑन रखने हैं. मिडिल रैक में बेक करने से काफी यूनिफॉर्म बेकिंग होती है एंड केक बनता है स्पॉन्जी. केक हो गया है तैयार एंड इट लुक्स परफेक्ट. जस्ट लुक एट दैट स्पॉन्जी केक. इसे थोड़ा ठंडा करना है एंड देन मैं इस पे डालूंगी बासुंदी. ये बेसिकली दूध है जिसे मैंने थोड़ा सा कुक किया है. चीनी डाली है, केसर डाली है एंड इलायची. जस्ट सो दैट ये बासुंदी अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए केक में. मैं इसमें थोड़े से होल्स पोक कर रही हूँ. आप एक टूथपिक यूज कर सकते हैं ऐसा करने के लिए. केक को फ्रॉस्ट करेंगे यूजिंग फ्रेश व्हिप्ड क्रीम. मैंने दो फ्लेवर की व्हिप्ड क्रीम बनाई है. एक है वेनिला और दूसरा है केसर. तो अच्छे से पहले केक को कवर कर लें और उसके बाद थोड़े थोड़े डॉलप्स बनाएं केसर वाले क्रीम के. नेक्स्ट मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का और वो है मोतीचूर लड्डू. मोतीचूर लड्डू इसके ऊपर डालें. आप कोई भी पैटर्न में इसे डेकोरेट कर सकते हैं लेकिन ये वाला जो लुक है ये मेरा फेवरेट है. इसे गार्निश करें यूजिंग सम पिस्ता. थोड़े से ड्राइड रोज पेटल्स भी डालेंगे एंड फाइनली थोड़ा सा ग्लैम शैम डालने के लिए हम इस पर डालेंगे सिल्वर वर्क. दैट लुक्स अमेजिंग राइट. एंड कितना आसान था ना इसे बनाना. आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद यू आर नाउ कॉन्फिडेंट टू बेक. The OTG is truly one of the best investments in my kitchen. आप भी इसे चेकआउट जरूर करिएगा. You too can get the Borosil Prima 60-liter OTG home. And guess what? With every purchase of Rs. 5000, you also get a free silver coin. What are you waiting for? Start shopping only on myborosil.com.